तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से लाइव बनाना चिप्स बनाने वाले हैं। तो अगर आपको बनाना चिप्स खाना पसंद है तो घर पे भी बहुत ही आसानी से बाहर जैसे ही क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार होती है। तो मैं निराली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम क्रिस्पी और सिंपल तरीके से बनाना चिप्स बनाने की रेसिपी, जो किसी भी व्रत में या ऐसे भी खाई जा सकती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कच्चे केले लिए हैं। तो केले खरीदते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि केले हमारे कड़क होने चाहिए। अगर बिल्कुल भी सॉफ्ट हुआ तो आपकी चिप्स बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और चिप्स बनाने की शुरुआत करते पहले हमें तेल को गर्म करने के लिए रख देना है, क्योंकि हम चिप्स को डायरेक्टली तेल में फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह का मैंने चिप्स मेकर लिया है जो स्टील का आता है, आपके पास कोई भी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें केले के छिलके निकाल लेने हैं, तो पूरे ही छिलके निकाल लेने हैं जब तक कि अंदर का हमें पार्ट ना दिखे वाइट वाला। केले के छिलके निकालने के बाद अब इसे ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रख सकते, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा तेल में फ्राई कर रहे हैं चिप्स को, तो 1 या 2 ही बनाना हम पील करेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक बनाना ही पील करते इसकी चिप्स बनाते जाइए। तो इस तरह से मैंने छिलका निकाल लिया है और तेल भी हमारे यहाँ पे गर्म हो चुका है। एक चिप्स डाल के हम देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं एकदम ही ऊपर आ रही है, मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की आँच मीडियम रखनी है, और अगर आपको लगे कि आपको गर्म लग रहा है तो आप थोड़ी सी चिप्स को प्लेट में बनाएंगे और फिर एक एक करके तेल में डालते जाइए। वैसे भी बना सकते हैं। तेल में हम थोड़ी सी जगह भी रखेंगे ताकि चिप्स जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। और इस तरह से हम हल्के हाथों से चलाते हुए चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाती। जब हमने चिप्स को फ्राई करना शुरू किया था तब आप देख सकते थे कि एकदम ही बबल्स ऊपर आ जाते थे, और अभी आप देख सकते हैं बबल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं बबल्स, मतलब हमारे चिप्स अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो चिप्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने बाकी के केले के भी चिप्स बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी चिप्स बनी है। चिप्स को मैंने 2 पार्ट में कर लिया है, एक को मैं बिना नमक ही रखूँगी क्योंकि ये मैंने गौरी व्रत के लिए बनाया है, तो इसमें नमक नहीं खाया जाता। अगर आपको थोड़ी सी चटपटी बनानी है तो चिप्स में डालिएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालिएगा स्वाद अनुसार, या तो काला नमक भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर, या तो फिर आप सिर्फ काली मिर्च और नमक से भी इसे कोट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से ऊपर नीचे करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए, तो ये है हमारी एकदम लाइव बनाना वेफर जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एकदम कच्चा केला लेना है जो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, और तेल को हमें स्लो टू मीडियम आंच पर रखना है, और बबल्स ख़त्म होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और चिप्स भी हम एकदम पतली बनाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी ट्रांसपेरेंट है। अगर आपने ज़्यादा थिक बना ली तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी वेफर, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं निराली फिर मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।